Hello, Amians. Hope you're all doing well, and you are watching Horror Teller. आज की स्टोरी हमें समी ने रोहिला वाली से भेजी। So let's roll into the video. तो कहते हैं कि सर्दियों की रात थी, तकरीबन 1:15 का वक्त हो रहा था। बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ दवाएं ला दो। यहाँ मैं ये ज़रूर मेंशन करता चलूँ कि हम मुल्तान से 70-80 किलोमीटर्स की ड्राइव पर एक छोटे से शहर रोहिला वाली में रहते हैं और यहाँ सर्दियों में रात होते ही गलियाँ वीरान हो जाती हैं। घर से निकलने से पहले जब एक नज़र बाहर दौड़ाई तो रूह कांप सी गई। तेज़ हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मैं कभी इस वक्त रात को अकेला गया नहीं था तो मुझे बाहर निकलने में बहुत खौफ महसूस हो रहा था। बाबा पर हल्की सी नाराज़गी जाहिर करते हुए मैं बाहर की तरफ रवाना हो गया। घर से तकरीबन 5 मिनट की मसाफत पर एक बस स्टैंड मौजूद है जहां कुछ दुकानें बनी हुई हैं। सोचा अगर कोई दुकान खुली हुई है तो वहां से ही दवाई ले लेता हूँ। सो मैं बस स्टैंड की जानिब चल पड़ा। सड़कें इतनी वीरान थीं कि सिर्फ हेडलाइट ही नुमाया हो रही थी। मेडिकल स्टोर पहुंचकर जान में जान आई। मतलूबा मेडिसिन्स खरीदकर जब घर की तरफ आगे बढ़ने लगा तो बस स्टैंड के करीब एक औरत को बाएं में खड़ा देखा। वो बाइक की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने तेज़ी से बाइक आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे जाकर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। मैंने खुद से कहा, यार समी क्या करते हो, तुम्हारी तरह शायद उनको भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, तुम्हें जाकर शायद एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने बाइक बस स्टैंड की तरफ घुमा दी। कुछ फासले पर खड़े होकर खातून को मुखातिब करते हुए मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे आवाज़ दे रही थी, आपको मुझसे कोई काम है क्या? पीछे काफी अंधेरा था, मैं कुछ सही तौर से देख नहीं पा रहा था कि अचानक खातून को थोड़ा करीब आते हुए महसूस किया और कुछ फासले पर खड़े होकर वो मुझसे कहने लगी, हाँ ये बस स्टॉप पर कुछ सामान रखा है मेरा, इसे मेरे साथ घर तक पहुंचा दो। मैं गिरता पड़ता वहां से बाइक भगाने लगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर सामने उस औरत को पाया। वो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी इतनी थी कि जितना भी आगे चला जाऊं वापस वहीं पहुंच जाता था जहां से चलना शुरू किया था और फिर वही औरत बार बार सामने आ जाती थी। मैंने अल्लाह का नाम लेते हुए एक बार फिर बाइक आगे बढ़ा और अब की बार मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया था। एंड बूम! हे एमियंस, होप यू आर लाइकिंग द स्टोरीज। अगर आप भी हमारी वीडियोस में अपनी स्टोरीज फीचर कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपनी स्टोरीज हमें लिख भेजें। टिल देन टेक केयर।